तो गाइस अगर आप अपने YouTube चैनल पर बॉलीवुड के सॉन्ग अपलोड करते हैं या फिर रिमिक्स सॉन्ग अपलोड करते हैं या फिर डीजे सॉन्ग अपलोड करते हैं तो क्या आपका चैनल इस कंडीशन में मोनिटाइज होगा। आज हम इसी में बात करेंगे और आपको क्लियर बताने वाला हूँ कि इस तरह का चैनल किस कंडीशन में मोनिटाइज होगा और किस कंडीशन में मोनिटाइज नहीं होगा। सब कुछ आज की इस वीडियो में आप समझ जाएंगे अगर आप अपने YouTube चैनल पर किसी तरह का भी सॉन्ग अपलोड करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, मैं आपको बारीकी से सब कुछ समझाने वाला हूँ। क्योंकि गाइस बहुत सारे लोग अपने YouTube चैनल पर बॉलीवुड के सॉन्ग या फिर रिमिक्स सॉन्ग वगैरह अपलोड करते रहते हैं, उनके दिमाग में एक बात होती है कि मैं वीडियो को कहीं से भी डाउनलोड करके अपलोड करता रहूँगा, यानी कि सॉन्ग कहीं से भी उठाकर अपने चैनल पर अपलोड करूँगा और मेरा चैनल ईजिली मोनिटाइज हो जाएगा। क्योंकि इस तरह की जो सॉन्ग्स वाली जो वीडियो होती है ना, इन पर व्यूज़ आते हैं भाई भर भर के, यानी कि इन पर व्यूज़ मिलियंस भी चले जाते हैं क्योंकि लोग डाउनलोड करते हैं। आजकल के ज़माने में यूट्यूब पर लोग आकर गाना सुनना भी पसंद करते हैं और डाउनलोड करना भी पसंद करते हैं। तो हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं, वो लोग यूट्यूब पर ऑनलाइन गाने सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना, प्लेलिस्ट भी होती है, तो प्लेलिस्ट के एक के बाद एक गाना स्टार्ट होता रहता है। तो ज़्यादा लोग जो होते हैं ना, वो ऑनलाइन गाना भी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो इस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। यानी कि एक बार क्लिक किया तो प्ले कर लिया, उसके बाद फिर से लोग रिपीट भी कर देते हैं तो दो व्यूज़ हो जाते हैं। इस तरह से गाइस मिलियंस व्यूज़ आ जाते हैं। और इस चीज़ को देखकर काफ़ी क्रिएटर ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। उन्होंने ये सोचा कि भाई मैं अगर इस चीज़ पर काम करूँगा, मतलब इस तरह पर इस पर ट्रैफिक ज़्यादा है, इस पर ऑडियंस ज़्यादा आ रही है, तो लोग क्या करते हैं ना, इस तरह के चैनल बना लेते हैं गलती से और सॉन्ग डाउनलोड करके अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस तरह का कर रहे हो तो आपके साथ क्या हो सकता है, आपका चैनल क्या मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो चलिए फिर फटाफट आपको बता देते हैं, बट उससे पहले आपको एक बात बता दूं, चैनल पर चैनल प्रमोशन चल रहा है। अगर आपको अपने चैनल का चैनल प्रमोशन कराना है तो वीडियो नीचे एक प्लेलिस्ट कमेंट करना, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने अपने एक यूट्यूब चैनल पर कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था आप अपने यूट्यूब चैनल पर नो कॉपीराइट बॉलीवुड सॉन्ग कैसे अपलोड कर सकते हो। उस वीडियो पर गाइस काफ़ी अच्छा प्यार मिला है, 1 लाख से ऊपर उस पर व्यूज़ आ गए हैं। और गाइस मैं उन लोगों को भी बताना चाहूँगा, अगर वो अपने चैनल पर एंटरटेनमेंट के लिए काम कर रहे हो तो कर सकते हो, बट अगर आप चाह रहे हो कि मैं यूट्यूब से पैसा भी कमाऊँ तो गाइस ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आप यूट्यूब से पैसा नहीं कमा पाओगे, आपका चैनल रिजेक्ट हो जाएगा मोनिटाइजेशन के टाइम। क्यों होगा गाइस? क्योंकि आप कहीं से भी गाने को डाउनलोड कर रहे हो, उसके साथ एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट वो गाना तो किसी और का है ना। मान लो आपने किसी सिंगर का गाना लिया और उसको थोड़ा बहुत एडिट करके थोड़ा सा लोफी बना दिया, कुछ उसमें छेड़छाड़ करके, और उसको अपलोड भी कर दिया, तो क्या वो मोनेटाइज हो जाएगा? नहीं होगा गाइस। क्योंकि वो मतलब गाना आपने किसी और का उठाया है। YouTube भाई बहुत स्मार्ट है, YouTube इन बारीकियों को ईजिली पकड़ लेता है। जब ये चीज़ आपकी पकड़ी जाएगी आपके चैनल पे, तो आपका चैनल आ जाएगा रील्स कंटेंट में। अब रील्स कंटेंट में गाइस आपका चैनल आ जाएगा तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे गाइस आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो जहाँ पे YouTube की कुछ पॉलिसी है, जहाँ पे YouTube ने बताया कि आपके चैनल पर क्या क्या चीज़ों को चेक किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, बाकी मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। देखो इनमें रील्स कंटेंट का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, बट रील्स कंटेंट आ जाता है जब आप किसी की वीडियो को यूज़ करते हो, किसी की वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पर पूरा अपलोड कर देते हो। तो अगर आप अपने चैनल पर यही कर रहे हो, मतलब कहीं से गाने को डाउनलोड किया, ठीक है, उसको डाउनलोड करने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करा, तो वो गाइस आगे चल के आपके व्यूज़ भी आ जाएंगे, वॉच टाइम भी आ जाएगा, सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब आपका चैनल थर्ड स्टेप में जाएगा, मतलब अंडर रिव्यू में जाएगा, ठीक है, जब अंडर रिव्यू में जाएगा यूट्यूब टीम उसको चेक करेगी तो फौरन वहाँ पर कर दिया जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि आपका चैनल आ जाएगा रील्स कंटेंट में। अब रील्स कंटेंट में गाइस आप कुछ भी कर लोगे, कितनी भी मेहनत कर लोगे, बट आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला है। फिर आपको अपने चैनल को मोनेटाइज कैसे करना है? देखो, आपको सारी वीडियो को डिलीट कर देना होगा, ठीक है। जैसे ही आप सारी वीडियो डिलीट करोगे आपका वॉच टाइम भी माइनस हो जाएगा, वॉच टाइम घट जाएगा, उसके बाद आपके सब्सक्राइबर वही रहेंगे जो आए होंगे, ठीक है। सब्सक्राइबर नहीं जाते हैं, वॉच टाइम चला जाता है। फिर आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी खुद की वीडियोज़ पर अपलोड करनी पड़ेगी, और उससे जो वॉच टाइम लाओगे फिर आप रीअपील कर सकते हो मोनेटाइजेशन के लिए, फिर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन गाइस जो लोग गाने अपलोड करते हैं, ठीक है, उनका चैनल मोनेटाइज कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग अगर चाहते हैं कि मैं गाना अपलोड करूं और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो वो किस कंडीशन में अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि गाइस बहुत सारे लोग चैनल से पैसा भी कमा रहे हैं, जो लोग गाने अपलोड कर रहे हैं ना वो पैसा भी कमा रहे हैं। किस कंडीशन में कमा रहे हैं? उनका चैनल क्यों मोनेटाइज हो रहा है? क्योंकि वो अपनी आवाज़ में खुद गाना गा रहे हैं, अपनी फेस वैल्यू दे रहे हैं, अपनी वॉइस सोवर कर रहे हैं, मतलब अपना गाना खुद गा के और उसमें म्यूजिक ऐड करके और उसको अपलोड कर रहे हैं, तो वो तो भाई उनका खुद का गाना है, उनकी खुद की वॉइस है, तो उसको तो YouTube रिजेक्ट नहीं कर सकता। मैंने ऐसे बहुत सारे चैनल देखे जो लोग करोके होते हैं ना, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, जो गाने का बैकग्राउंड म्यूजिक होता है उसको कहीं से भी निकाल लेते हैं और साथ में अपनी आवाज़ के साथ गाना गा के उसको डबिंग कर लेते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो YouTube से पैसा कमा सकते हैं, बट जो YouTube से डाउनलोड करके और YouTube पे ही रीअपलोड कर रहे हैं ना, उनका चैनल तो भाई रील्स कंटेंट में आना ही है।
तो आप अगर इस तरह की गलती कर रहे हो तो आप अपने चैनल पर इस गलती को करना बंद कर दो, क्योंकि आपकी सारी मेहनत में पानी फिर सकता है। ठीक, बाकी अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और कमेंट करके आप बताना कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है या नहीं है।